बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं बहुत ही मज़ेदार दानेदार शरारा बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले हमने इसी चाशनी तैयार करनी है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं चाशनी के लिए। और ये मैंने कप से सारी मेजरमेंट की है, एक कप चीनी का लिया है और इसी कप से मैंने सूजी का नाप लिया था। एक कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी थी और एक कप से थोड़ी सी ज़्यादा इसके अंदर 2 चम्मच चीनी से डालनी है, यानी बराबर की सूजी डालनी है, चीनी डालनी है सूजी के अंदर। और 3 कप भर के मैंने पानी के लिए थे, यही कप जो था इसके साथ मैंने नाप किया था। और 3 कप पानी के भर कर लिए हैं और इसके अंदर चीनी के अंदर हमें जो है छोटी इलायची डाल दी है खुशबू के लिए, अच्छे फ्लेवर के लिए। तो इसको जो है बस बॉइल करना है और एक चार बार शायद चाशनी नहीं बनानी, बस थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे फूड कलर, अगर आपके पास है तो डालिए, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, तो या फिर केसर के धागे भी इसके अंदर डाल सकते हैं। बस इसको 2 से 3 मिनट के लिए चाशनी को पकाना है, जैसे बॉयल आना शुरू हो जाए तो चाशनी हमारी रेडी हो गया। तो ये देखिए इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया और चाशनी रेडी हो गया, तो इसको नीचे उतार देते हैं। और अब हमें क्या करना है, कढ़ाई है उसके अंदर ऑयल डाल के ऊपर आ गया, घी डाल के उसके अंदर काफ़ी और बादाम हल्का सा रोस्ट करना है, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो आपको जो मन पसंद हो, तो उसको आपने जो है इस तरह से हल्का सा रोस्ट करना है। और रोस्ट करने के बाद ज़्यादा इसका मतलब चलाना नहीं है, सिर्फ रोस्ट करने का ये मतलब है कि थोड़ा सा क्रंची पानी इसमें आ जाएगा और बस इसको इस तरह से निकाल लेना है। अगर हम हलवे में डालेंगे तो बहुत ही क्रंची क्रंची लगेंगे, तो बहुत ही मजे के लगेंगे। अच्छा जी, उसी घी के अंदर हमने सूजी डाल दी, एक कप भर के सूजी का, और उसके ऊपर थोड़ी सी 2 चम्मच और थी वो भी डाल दिया है। और अब हमें इसको भूनना है, इसको भुनाई करनी है तकरीबन 7 से 8 मिनट, तो इसको बस इस तरह से भूनते जाना है, हाई फ्लेम नहीं करनी, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको भूनना है, ताकि सूजी चले भी ना और नीचे भी ना लगे और हमें हमें भूनने में आसानी भी हो। अच्छा जी, इसको भूनते हुए तकरीबन मुझे 2 मिनट हो गया, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हुआ, तो देखिए खुशबू भी आना शुरू हो गया है। और बस इसको जो है भूनते जाना है, मौसम बहुत प्यारा था, बारिश हो रही थी, तो इसलिए मैंने कहा था और उसके साथ इंजॉय किया जाए खाके। और इसको बस अच्छी तरह से भूनते जाना आपने तकरीबन 7 से 8 मिनट, अभी 5 मिनट हो गए हैं, उसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है। तो जब अब भूनते हुए मुझे तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं, तो काफ़ी कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा डार्क कलर हलवे में अच्छा लगता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा भूनना जरूरी है, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं है, मसलसल इसके अंदर आपने चम्मच चलाते जाना है, ताकि जो है हमारी जो सूजी है वो चले नहीं और अच्छे से बन के रेडी हो जाए हमारा हलवा। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, सूजी हमारी रेडी हो गई, परफेक्ट कलर इसका आ गया है, तो जो चाशनी तैयार करके रखी थी अब हमें उसके अंदर जो है वो चाशनी डाल देनी है अच्छा अच्छा करके ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब सूजी का बैठक को होता है, तो सारी चाशनी इसके अंदर हमें डाल दी है। और अब इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, जब पानी इसका सूख जाएगा तो देखेंगे इसका क्या करना है। अभी इसके अंदर काफ़ी पानी है, तो ये देखो बटन में लगा दिया था और पानी चाय से सूख है, तो मैं 3 से 4 मिनट में हमारा जो पानी है वो सारा चीनी है वो सूजी अब कर लेगी अच्छी तरह से, और बटन लगा दिया दोबारा, फिर मैंने देखे हमारा पानी रेडी हो गया, सारा पानी जो है वो ड्राई हो गया। फिर हमने इसके अंदर घी डाला है, तो ये आधा कप देसी घी है वो इसमें लगा रही हूँ, तो इसी जो मशहूर बहुत करी आएगी। और बाद में ये घी अपने डालना है, जिसका जो जायका है वो ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। और उसके अंदर बदाम और काजू डाल दिया मैंने, तो बस इसी तरीके चूल्हा बंद कर देना है और बंद करने के बाद इसकी बटन लगा के 2 मिनट इसको जो है रेस्ट देनी है, और फिर इसका जो भी साइडों पर घी शुरू हो जाएगा तो हमारा हलवा रेडी हो जाएगा बिल्कुल, तो बहुत मज़ेदार दानेदार खुशबूदार हमारा हलवा तैयार हो गया। तो डक्कन लगा के 2 मिनट बाद इसको चेक करते हैं, तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये लगता है और सबसे परफेक्ट साइड पर थोड़ा थोड़ा सा घी जो है वो लीजिए हो गया, और इसको करेंगे डिश आउट, तो बहुत ही दानेदार बनना है और बस इसी तरीके से बनाइएगा, परफेक्ट घी और परफेक्ट मीठा होगा हमारा हलवा रेडी हो गया। आप इस बार इंजॉय करें, तो इसी खाते जाते हैं, अल्लाह हाफिज़।